कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। हाथी का है, हाथी वो भाई घर है। अभी हो गए है चुके है स्ट्रेट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जो कि मैंने आपको बताया था, ये सूटकेस यहाँ से हट चुकी है। चिकू के सारे सूट हैं, मैंने उसके अंदर नहीं डाले। जो हमारी हमने सूटकेस अहमदाबाद भेजी थी ना सही होने के लिए, हम लेके गए थे, वो सही होके आ गई है। तो उसके अंदर मैं सारे अभी फिल कर रही हूँ, तो बाहर मैंने जमा दिए हैं ये सूटकेस, ये चिकू के सारे सूट। कभी इनका भी आपको विजिट होगा, क्योंकि बहुत सारे सूट्स अवेलेबल है इसलिए। और आज तो भाई जी नहीं थी, तो एक भी भाई नहीं थी आई, तो एक साथ तीन तीन आ गई है, जिसमें अभी तक दो कन्फ्यूजन में चल रही है कौन सी रखेंगे। और सारे सूट अब सूटकेस में जमाते हैं। ये वाला बराबर है, वो वाला क्या है, उसमें जबरदस्ती टूटना। ये हमारा गिम्बल है, वो वापस से हमने डिसमेंटल करके इसमें जमा दिया है, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं जमाया, चिकू ने जमाया है। चिकू मुझे सिखा रहे थे कि कभी मैं ऐसे निकाल दूँ तो तुमको अगर साफ़ सफाई करनी हो तो तुम ऐसे जमा के रख सकती हो, तो वही सिखा रहे थे, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइम से तो अपन पूछेंगे भी नहीं, पैक करके रख देंगे, क्योंकि यार कितने सारे बोल्ट वगैरह ढीले करने पड़ते हैं, हर चीज़ खुलती है। मैं तो सोचती थी ऐसा नैसा अंदर चला जाता होगा, पर देखा तो एक एक पुर्जा पुर्जा अलग हो जाता है, सिर्फ ये इतना ही साथ में रहता है, बाकी सारा अलग अलग हो के फिट हुआ हुआ है। चलो अब इसको कर देते हैं पैक, इसका तो सूटकेस जोरदार है। मैं कर रही हूँ ना यूँ करके, फिर यूँ, फिर अब ये जाएगा इसके अंदर। तो ये हमारा रॉनी SDJI। आज थोड़ा घर पे क्लीनिंग का काम हो रहा है, डस्टिंग का भी काम हो रहा है, साथ साथ में अपन भी थोड़ा योगदान दे देते हैं। पर मास्क पहन के फिर काम करूँगी डस्टिंग का, क्योंकि अभी सर्दी सही हुई है। वो कल ये चिकू लेके आए हैं ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का क्लेंजर, जो कि इनके लिए ख़त्म हो गया था। साथ में लाए हैं सीरम, सीरम भी ख़त्म हो गई थी। और ये दो फिश फेस शीट मास्क, जो कि इनके फेशियल में हमने यूज़ किए थे और इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट। और वाकई फेस शीट मास्क के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, तो मस्ट योर ट्राई, क्योंकि है ना, अगर फेस रूखा सूखा है या फिर ग्लो नहीं है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, एक्ने है, ये सब प्रॉब्लम्स को क्योर करने वाली चीज़ है। और सबसे मेन रिलैक्सेशन थेरेपी है, एकदम हम फेस पे लगा के एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। पहले वाली चिकू की फेस की सीरम है, जो कि कम्प्लीटली एम्प्टी हो चुकी है, एक बूंदी बचा है, ये कल खरीद के लाए, तो फुल भरी हुई है। और इस सीरम के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो अंदर का ड्रॉप है वो अंदर एंड्स तक दे रखा है, बाकी सारी सीरम्स के क्या रहता है ना, थोड़ा ऊपर ऊपर तक रहता है, तो लास्ट वाला प्रोडक्ट हमको हाथ में लेके निकालना पड़ता है। इसमें तो लास्ट वाली जो बूंद भी है वो भी ड्रॉप में आ जाती है, हाँ, तो कम्प्लीट वो है ना। अब इसके अंदर क्या तैयार होगा, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल के अंदर एसेंशियल ऑयल टी ट्री। थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई का काम सब जगह पर चल रहा है। और अभी मैं बना रही हूँ खाना, तैयार तो हो गई हूँ, खाने में बन रही है उड़द की दाल। उड़द की दाल यहाँ पर फ्राई हो रही है, यहाँ पर बॉईल हो रही है, आटा गूंद दिया है, चावल बन गए हैं, पर आज सुबह पापड़ी तली थी, जो कि मुझे इच्छा हो गई थी खाना खाने की इसीलिए। तो अब फटाफट से कर देते हैं कि घर का काम कम्प्लीट, और फिर मंदिर जा के फिर सीधा शॉप पर। काम कर ही रही थी कितने में चिकू ने पार्सल भेजा है ये शॉप से, जिसमें है यार्डले के साबुन, बॉम्बे शेविंग के साबुन, और उनके लिए लूफा, और ये हैंड वॉश, दो तीन साबुन और हैं, वाइप आउट का भी है साबुन, जो कि पापा यूज़ करते हैं तो पापा के लिए भेजा है। और अभी मैं खा रही थी ओरियो, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, ये यहाँ पर पैकेट खोला है, खा रही हूँ। खाना हो गया है, अब जा रही हूँ शॉप पे। और ये कौन है हाथी का है, हाथी वो भाई घर है, ठीक मले है ये। चाची बोल दे, चाची ऐसे बोलो, चाची ऐसे बोलो, चाची बोलो, चाची। अच्छा ये वाला, अपनी चीज़ बता दो,
चिक्स बता दो चलो। ये दिख रही है तो बुआ को मिलने गई थी कल। हाँ वो आती है, वो आती है हमारे ब्लॉग में। हाय के दो। हाँ शॉप पे आ गए हैं और आज तो फुल मच्छर आ गए हैं, चिकुल पूरे मच्छरों से भर गए हैं। ये बालों में से मच्छर वच्छर से निकाल, स्मूथनिंग करनी है अभी अभी। हाँ अभी टाइम नहीं, अभी मैं जाऊँगा एक मिनट। अरे अच्छा बहुत, ये लिवाइस जो लिखा हुआ है हल्का सा पीला, क्या है पूरे मच्छरों से भर रहे हैं। बिंदी तो मेरी रही नहीं रही है यार, बिंदी आज नहीं। शॉप पे आने के बाद आज कोई क्लाइंट है नहीं तो मैंने सोचा क्यों ना खुद को ही पैम्पर किया जाए। पैम्पर करने के लिए आज सबसे रिलैक्सेशन थेरेपी यूज़ हो रही है जो कि है पेडिक्योर, और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मेरे पैर थोड़ी देर मैं इसके अंदर डिप करके रखूँगी, फिर इतने में फिर ज्योति पैरों की पेडिक्योर के लिए किट रेडी करती है। मेरे पैर मैंने बाहर निकाल दिए हैं और अब इसको ज्योति ने एक पैर को टॉवल ड्राई कर दिया है, अब नेल को अच्छे से क्लीन करेगी। पेडिक्योर करते करते कस्टमर आ गए, वापस से कस्टमर का काम किया और चिकू मेरे लिए लेके आया नया मास्क जो कि है ब्लैक कलर का, अच्छा है, लगाने के बाद बढ़िया दिख रहा है, लगा के दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा है ना, तो ये मास्क मेरे लिए लेके आए हैं और अभी मेरा पेडिक्योर वापस से चालू हो जाएगा और ज्योति कटिंग की थी वो ज्योति अभी सही कर रही है, सारा वैक्यूम ले आई है। वो पेडिक्योर अपना वापस से गर्म पानी हो रहा है, थोड़े बाहर गए डिप करके बैठ गए, तब तक थोड़े स्मूथ हो जाएंगे पैर और ज्योति यहाँ क्लीन कर देगी। पेडिक्योर हो गया है, एक पैर में मास्क लगा हुआ है, एक पैर में हो गया है, काफ़ी फर्क है यार पैरों में आप देख सकते हो, एकदम रिलैक्स भी हो गए पैर और पैर भी साफ हो गया। अभी ज्योति मस्त नेल पेंट लगा देगी और थोड़ी सी उससे पेडिक्योर डन, अब होगा हमारा नेल पेंट सेशन, तो नेल पेंट लगने वाली है। नेल पेंट मेरी लग चुकी है जो कि इस टाइप से लगाई है, आगे की सिल्वर लगाई है। तो पेडिक्योर कर दिया है और आज चिकू के करनी है स्मूथनिंग, तो चिकू को कॉल करती हूँ कितने बजे तक आएंगे और चिकू का आज काम चलने वाला है। छोटे हैं बाल, देखते हैं किसे होती है स्मूथनिंग। भी आने वाले हैं चिकू, जैसे ही आते हैं चिकू को ब्लॉक करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो काम करूँगी, सो आज तो उनको पकड़ ही लेते हैं, पकड़ के ब्लॉक कराते हैं। और ये मास्क उनको बहुत अच्छा लग रहा है ब्लैक कलर का। तो फ्रेंड्स आ गए हैं चिकू और अभी होगा इनका फर्स्टली हेयर वॉश, तो इतनी देर अब कैमरा चिकू हैंडल करेंगे। ओके, यहाँ पानी कैसा है? आई डोंट नो। अभी चिकू के बाल करेंगे टॉवल रहे तुम शो वाइट टू है, ऐसे ही बाल बनाओ तो बढ़िया दिख रहे हो। रहते नहीं है ना, सूखने के बाद क्या होगा पता है? बमरी, ये यूं खड़े हो जाएंगे यहाँ से। अभी हो गए हैं चुके हैं स्ट्रेट, सही तो लगेंगे स्ट्रेट। अब बगला बगला फर्स्ट क्रीम पूरी तरीके से अप्लाई हो गई है, अब हमको 10 मिनट से 15 मिनट कुछ वेट करना है, तो वो वेट करते हैं और इतने टाइम पास करेंगे, दोनों जने क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे बड़े दिनों बाद। स्ट्रेट हो चुके हैं बाल और अब हम करेंगे ड्राई, तो कैमरा मैन फोन कर रहा है। नहीं पिस्ते कर दो दिन बाद करूंगा।
सीरम डालनी पड़ी सीरम लगा तो प्लेट है एक नंबर आपको जैसे आपके बाल चाहिए थे वैसे आपको मिल चुके हैं एकदम सेम सेम नो फर्क तो चिकू के बाल अच्छे से हो गए स्ट्रेट और अब हम जा रहे हैं घर पर और पीछे से प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं हो पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे थे पर आगे तो बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की और कर दी है गर्ल्स के बाल स्ट्रेट करने में मज़ा आता है बॉयज़ के नहीं क्योंकि बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं बहुत प्रॉब्लम होती है और बॉन्ड्स बहुत जल्दी यानी ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि पतला बाल ज़्यादा रहता है ऐसा मुझे ही लगा क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले हमारे घर में ही भैया उनके किया था तो चुको तुम अल्लाह की दिख रहे हो देखा मस्त एकदम हैंडसम सामने देखो तुम सच में तो पतले लग रहे हो बाल स्ट्रेट करवाते अच्छा कदम तो अब चलते हैं घर पे भूख भी लग गई 9:30 हो गई कितने भी 10 बजे घर पे आ गई घर पे आने के बाद तो क्या भूख लगी जबरदस्त की तुरंत खाना खाने बैठ गई मैंने कहा यार कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था मैंने कहा खाना खाने सीधा मैं बैठ गई हैंड वॉश करके तो खाने में बना है बैंगन आलू मटर की सब्जी और चिकू को बैंगन कम भाते तो चिकू ने बना दी भेल तो कॉम्बिनेशन हो गया वाह खाना खा लेंगे हम अभी यूँ पर मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और मम्मी ने बनाया खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाना खा लेते और निखिल आ गया है इंडिया तो उसके व्लॉग्स देखे जा रहे हैं खाना खा लिया है और जिन मैंने बताया था ना सुबह कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो मुझे सच में अभी नींद आ रही है क्योंकि घर पे आते में मुझे खाते खाते ही उबासी आ रही थी तो मैं अब सो रही हूँ और ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में ओके बाय